अमेरिकन स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक जो है वो है फेडरलिज्म। सेवंथ चैप्टर है जो आपकी किताब का, 11th क्लास के लिए, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म, यू नो, आपने देखा होगा कि यूएसए 50 रियासतों पर मुश्तमिल कंट्री है। इट इज़ कॉल्ड अमेरिकन फेडरेशन। इसी तरह स्विट्ज़रलैंड ये भी कई रियासतों पर मुश्तमिल एक फेडरेशन है। ठीक है, आप हिंदुस्तान के इस नक्शे पर इंडिया के इस मैप पर आप नजर दौड़ाएं, मुख्तलिफ स्टेट्स से जुड़ी हुई हैं, तो क्या है ये एसोसिएशन ऑफ स्टेट्स है? एसोसिएशन ऑफ स्टेट्स यानी ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स भी कहलाया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, गोया फेडरलिज्म हम सिंपल से कहेंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन, इट मीन्स, यानी फेडरलिज्म मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, वेयर अ कंप्रोमाइज इज, इन स्टेट्स के दरमियान कंप्रोमाइज होता है। कंप्रोमाइज इज वर्कड आउट, इन स्टेट्स के दरमियान कंप्रोमाइज होता है, आपस में ये कंप्रोमाइज करते हैं। कंप्रोमाइज इज वर्क आउट बिटवीन कॉन्करेंट डिमांड्स ऑफ यूनियन एंड फॉर टेरिटोरियल डाइवर्सिटी विद इन ए सोसाइटी। एक सोसाइटी, इनमें एक कंप्रोमाइज होता है। इन फैक्ट दिस टर्म फेडरलिज्म, इट इज अ लेटिन वर्ड। Federalism is a Latin word which means agreement. इनमें agreement होता है। ठीक है, Federalism is a Latin word which means agreement. यानी USA या Switzerland, they came into existence as a result of agreement. USA हो, स्विट्जरलैंड हो, कोई फेडरेशन हो, दे केम इनटू एग्जिस्टेंस एज ए रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट एंड दे सरेंडर, दीज स्टेट सरेंडर, दे सरेंडर देयर सॉवरेंटी एंड फ्रेम ए कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन आई विल से, USA या स्विट्जरलैंड जिसकी हमने मिसाल दी, they came into existence, ये आए, एक मुल्क USA बड़ा मुल्क बन गया, स्विट्जरलैंड बड़ा मुल्क बन गया, एक मुल्क बन गया, they surrendered their sovereignty, वो अलग अलग है, but they surrendered their sovereignty, अपनी खुद मुख्तारी surrender की, and एक banner के तहत आ गए, and framed the constitution, अपने लिए constitution बनाई। The basic terms federalism means the organization, जैसे मैंने कहा organization of states, where compromises, इनमें compromise होता है, इनकी जो demands होते हैं union की या territorial diversity जो within the state है, states की, इनके दरमियान एक compromise होता है, एक organization बन जाती है। और ये कैसे होता है? दिस डन बाय डिविजन ऑफ पावर्स, यानी ये क्या करते हैं, ये डिविजन ऑफ पावर्स करते हैं। दिस इज डन बाय, ये कंप्रोमाइज कैसे किया जाता है, ये कंप्रोमाइज करते हैं, ये डिविजन ऑफ पावर्स करते हैं बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। ये स्टेट्स एक सेंटर ये बनाते हैं, और सेंटर और स्टेट्स में
दे डिवाइड करते हैं पावर्स, दे डिवाइड द पावर्स, दे डिवाइड द पावर्स, इजी गो, दिस इज डन, दिस कंप्रोमाइज इज वर्कड आउट, दिस एग्रीमेंट जो ये होता है इनके दरमियान ये कैसे किया जाता है, दे डिवाइड द पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स इन ए वे दैट ईच यूनिट फंक्शन इंडिपेंडेंटली, यानी ये काम करते हैं, यहाँ सेंटर होता है, यहाँ स्टेट्स होती है।